सर नमस्कार सर, आप किस बैच से? कहाँ पे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप किस बैच से हैं? मैं 2000 बैच से हूँ सर। अच्छा, 2000 बैच से, तो फिर तो काफी जूनियर हो गए हैं। मैं 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। वैसे मेरा कैडर मध्य प्रदेश है और 7 साल तक तो मैं डीजी रहा हूँ, डीजी रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ, डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ, और उस इस समय दो नेशनल पुलिस मिशन को हेड कर रहा हूँ। एक है नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत और दूसरा नेशनल पुलिस मिशन फॉर जीआरपी हेल्प ऐप एंड क्राइम फ्री रेलवे जुरिडिक्शन। ओके ओके तो अच्छा, आपका नाम सर बड़ा अच्छा कवि के नाम से है। मेरे ख्याल से जो आगे चल के ये नाम जो है कवि के नाम से भी आगे पहुंच जाएगा। हम लोग इसका नाम बड़ा कविता पढ़े हुए ना। नहीं, बहुत अच्छा लिखा भी है, देखिए ना, नर हो ना निराश करो मन को, कितनी बड़ी बात है। कुछ काम करो, और काम ये करो, हाँ, ऐसा कौन सा जो है द्रव्य, कौन सी चीज आपके लिए जो है अलभ है, तो वो जी। बहुत ही प्यारा, मतलब मेरे ख्याल से वो एकदम मानव को झकझोरने वाला कविता है। बहुत बहुत हाँ, सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। है। आप सर ऐसे रहते कहाँ अभी? मेरा प्रवास जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश में है, और ओ, भोपाल में ही है। वैसे तो मैं भ्रमण करता रहता हूँ। अच्छा हाँ, और हमने अभी एक मॉडल निकाला है जिसमें हर भारतीय को जुड़ना चाहिए। वो अच्छा मॉडल कह रहा है कि यदि आप सिर्फ क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ जाएंगे, जुड़ने मात्र से 90% वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और यदि आप 10 लोगों को जोड़ देंगे वो भी संकल्प के साथ, तो 99% काम कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारे राजनेता हैं, देखो एक चीज नवीन जी, हम और आप दोनों को समझना पड़ेगी कि इस देश के साथ दुष्टता बहुत हुई है, इस देश के साथ दुष्टता बहुत हुई है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ये जान के आपको बहुत ताज्जुब होगा कि 75 सालों के बाद भी हमारे ऊपर वही अंग्रेजों के नियम कानून लदे हुए हैं जो उन्होंने बिल्कुल घोषित पॉलिसी के तहत के भारतीयों को अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है, हीन भावना पैदा करना है और प्रक्रिया में फंसा के तोड़ देना है। वो घटिया नियम कानून हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, और मैं तो कई बार जो है मुझे बड़ी लज्जा आती है, मैं ये बात कई बार नरेंद्र मोदी जी साहब से, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है आपने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से 5 प्रण लिए थे जिसका दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हमेशा ये बात पूछता हूँ कि आपको जो है गुलामों के जो नियम कानून जो इस जनता के ऊपर थोपे हुए हैं, इसमें गुलामी की सड़ांध नहीं आती है? मुझे तो बहुत सड़ांध आती है। उन्होंने उन्होंने 15 कानून तो रद्द किया है सर। नहीं नहीं तो ये मूर्ख बनाने वाले धंधे हैं, जो कानून यूज नहीं होते थे उन्हें रद्द कर दिया। अरे जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत बने हैं, ये बताइए बफ बोर्ड एक्ट क्या, इज इट नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन? तो जब जो है ना आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो ये स्वतः लैप्स होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? और स्वतः लैप्स हो जाना चाहिए था, बिकॉज इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू संविधान, और ये संविधान में लिखा हुआ है कि एनीथिंग विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी शुड बी नल एंड वॉइड। अच्छा, नहीं सर, आपका आपका विचार बिल्कुल मेरे फ्रिक्वेंसी से मिलता है सर, आपका नंबर मैं रख लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपसे एक निवेदन ये करता हूँ कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की मैं लिंक आपको भेजता हूँ, उससे आप जुड़ जाइए, और अच्छा अपनी धर्मपत्नी, बच्चों को और जिनको भी आप जोड़ सकते हैं उनको जोड़िए, 9 दिन में ये भारत परिवर्तित हो जाएगा, 9 दिन में। और आपको कुछ नहीं करना है, यदि आप जुड़ गए इतने मात्र से 90% काम कंप्लीट हो गया, जुड़ने मात्र से, और यदि आपने 10 लोगों को जोड़ दिया तो 99% काम कंप्लीट हो गया। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि देखो हमें अच्छे देश में को पैदा करने की लालसा होना चाहिए, हमारे राजनेता तो ये नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी सोच सड़ी हुई है ना, वो देखो इस देश में चपरासी बनने के लिए साचरित्र होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, पुलिस से एक जो है ना क्लेरिफिकेट वो मिलना चाहिए आपको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, एनओसी मिलना चाहिए कि आप चरित्र के अच्छे हैं,
फिर आप राजनेता बनने के लिए, इस देश के बाग विधाता बनने के लिए अनपढ़, गवार, बाहुबली, दल बदलू और अपराधी क्यों? और ये लज्जा की विषय है कि जो है ना, आप अपराधियों को ही वरीयता दे रहे हो। आपको मालूम है अभी यूपी का जो चुनाव हुआ है 2022 का, इसमें 403 सदस्यों में 205 अपराधी हैं, वो भी उनके एफिडेविट के हिसाब से। ये कहीं इंडिपेंडेंट एजेंसी ने वेरीफाई नहीं किया है, जो इलेक्शन कमीशन में ये एफिडेविट सबमिट करते हैं उसकी डाटा की एनालिसिस कह रही है कि 51% आर क्रिमिनल। यदि किसी ने अपने एफिडेविट में कोई बात छिपा ली है तो वो वाली बात है। और दूसरी बात, ये सिस्टम इतना नालायक है कि समर्थ लोगों के विरुद्ध तो एफआईआर दर्ज ही नहीं करता है ये। हाँ, नहीं करता है। आप सिर पटक लेंगे आप जो ना। अब ये बताइए ना, ये कितनी बड़ी दुष्टता है। ये जो खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने सम्मान लाया है यार, किसी को ये कहते हुए कि मेरा यौन उत्पीड़न मिला है उससे उसकी इज्जत बढ़ती है क्या? कोई गलत क्यों कहेगा ये बताइए ना मुझे। एकदम नहीं गलत कहेगा भैया। उससे जो है ना, वो बच्चियां हैं, उनका उनका उससे उससे उनका मान नीचे आएगा, वो ऐसा क्यों करेंगे? तो फिर कैसा दुष्टता वाली व्यवस्था है? और मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुष्टता का ठेका लेके रखा है। ये बताइए, जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, स्टेट होम मिनिस्टर का लड़का था, स्टेट होम मिनिस्टर को क्यों नहीं निकाला गया? ये बताना चाहते हो कि हमारी मोटी खाल है? क्या कहना चाहते हो कि हम निर्लज्ज हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं घटिया आदमी हूँ, 56 इंच का घटिया आदमी हूँ जो सिर्फ जो है ना पब्लिसिटी करता है, जो इतना घटिया है कि किसी जो है ना प्रीमियर के कान का यदि माइक्रोफोन गिर जाए तो अपनी पैसा लगा के अपना जो है ना उसका माखोल उड़ाता है। इट्स नॉट स्टेटमैनशिप, ये घटियापन है। पाकिस्तानी प्रीमियर के यदि कान का जो है ना माइक्रोफोन गिर गया है, बहुत बड़ी बात है क्या? मतलब जो तुम इतने घटिया हो कि मैं अकल के चल रहा हूँ, ये आपको इसकी पब्लिसिटी करते हो, ये स्टेटमैनशिप नहीं है। आप यूनाइटेड नेशंस में जो है ना परमानेंट मेंबरशिप ले आते, वो स्टेटमैनशिप होती। मेरी बात से कुछ सहमत है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, मैं एक और एक चीज आपसे पूछता हूँ मिस्टर नवीन, कि आपने पूरा नाम क्या बताया था? नवीन शाह। ओके, तो नवीन शाह जी, मेरा आपसे बड़ी छोटी बात का कहना है कि हमारा जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट का सेक्शन 4 कह रहा है कि यू कैन नॉट अप्रोच एंड टेक टू द कोर्ट, कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। क्या ऐसा, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है जिसमें आप आम जनता को कोर्ट में जाने का हक छुड़ा लें? ऐसा कानून जो है ना असंवैधानिक है। तो आप कितने घटिया आदमी हैं, किन कानूनों को रिपील कर रहे हैं? आपने वर्शिप प्लेसेस एक्ट क्यों रिपील नहीं किया है? क्या जस्टिफिकेशन है इसका? कांग्रेस लेके आई ना अभी इसको, तो इसको भाई भाई कोई भी लेके आया है, वो आप रिपील करने में क्या होता है? हाँ की जीतो ना की हारो, इतने तो लिखना है। 3 लाइन का एक संकल्प होना चाहिए कि फलाना फलाना एक्ट रिपील किया जाता है। हाँ की जीत ना की हारो, हो गया काम खत्म। हाँ, और आप उनको उनको गाली देते कांग्रेस के, कांग्रेस वाले जो है ना असंवैधानिक लोग, घटिया लोग हैं, तो आप पॉलिटिकल एडवांटेज क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका मतलब है कि तभी किसी के हाथ की कठपुतली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कठपुतली ही हैं, इससे बड़ा कोई नहीं है, जो उतना ही बोलता है जितना बोलने की इजाजत होती है। अब आप ये बताइए, आर्टिकल 35A संविधान में एक आर्टिकल बिना कंस्टिट्यूशन के, अमेंडमेंट के, बिना पार्लियामेंट में जाए कैसे संविधान में घुस गया है? हम आपको लज्जा नहीं आती आना चाहिए कि हम अपने आप को विद्वान कहते हैं? किस बात के विद्वान हैं आप, मुझे बताइए, क्या हमें अपने आप को विद्वान कहने का हक है? बिल्कुल सही बात। अब आप ये बताइए, जो है जब आपने 2019 में उसे रिपील किया, आपके मुंह से एक बार भी ये नहीं फूटा कि जो है ना कांग्रेस का ये असंवैधानिक एक्ट था, जवाहरलाल नेहरू जी का ये असंवैधानिक एक्ट था, मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ? कम से कम एक बार तो मुंह से निकलना चाहिए थी ये बात। इसमें तो आपको पॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलता कि नहीं मिलता? तो आपके मुंह से बात नहीं निकली, इसका मतलब है कि तुम किसी भी पद पे बैठे रहो, कठपुतली हो, तुम्हारी इससे ज्यादा औकात ही नहीं है। 56 इंच का सीना रखो या 65 इंच का रखो, कठपुतली हो, घटिया आदमी हो। चलिए सर, मैं आपसे इसके अलग से बात करूंगा। ठीक, जरूर 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 जरूर, और आप जुड़िए और मैडम को जोड़िए, हम देश में बदलाव ला देंगे। थैंक यू। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।